हाय, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सबाम गदस और आज का जो व्लॉग है वो है जनाब देसी घी बनाना। देसी घी किस तरह से बनाते हैं। एक वक्त होता था जो कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था कि देसी घी भलाई गठी हुई है तो मैं किस तरह से, कभी मैंने अम्मी को बुलाना, कभी मैंने अपनी नान को कहना, कभी नानों को कहना कि यार आप लोग देसी घी जो है ना वो मुझे प्रिपेयर कर दें, क्योंकि मुझे बनाना नहीं था आता। अच्छा जी, मैं अब आप किसको बेनिफिट्स बताऊंगी जो कि मैंने सर्च किए हैं। एक तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि देसी घी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी, मतलब यहाँ पे समझा जाता है कि देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्थी है, माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प करता है। इसके अलावा इसमें K12 यानी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम आपको पता है हड्डियों की मजबूती के लिए कितनी ज़्यादा अहम है। इसके अलावा जनाब इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डिक्रीज़ करता है, और जो ब्लड का होता है फ्लो उसको ये बेहतर करता है। मतलब आपको बीपी लो या बीपी हाई का मसला है तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इसका अहम रोल है, ये उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और मज़ीद इसके बहुत ज़्यादा और भी इसके बेनिफिट्स हैं, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। और घर के देसी घी की तो आपको पता बात ही और है, ठीक है। ये जनाब भलाई आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बाउल, ये एक मंथ से ज़्यादा का मतलब दूध की भलाई है इकट्ठी हुई थी। तो इसको बनाने का मेन मकसद जो है इससे बटर जो है वो निकालना। और बटर किस लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बटर बेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, केक में इस्तेमाल होता है, बेकिंग की आल सारी आइटम्स में इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया है केक बनाना और ये बिस्किट बनाना, तो उसमें ये बटर जो है वो बड़ा अहम रोल करता है, तो अहम अदा करता है रोल। तो मेरा बेटा बार बार मामा बिस्किट बना दे, तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ साथ बटर भी इसमें से निकल आएगा, थोड़ा सा बटर भी निकाल लूँगी, बाकी देसी घी भी बना लूँगी। और ये उन खवातीन के लिए कि जिनको डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ईजी है। मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था कि यार किस तरह से मैं इसको प्रिपेयर करूँ, लेकिन एक दफ़ा जब आपका फ़्लो बन जाए, आप इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें, तो समझे कीप इट अप, आप कर सकते हैं। चलें ठीक है, अब मैं इसको बनाना जो है वो आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये इसके लिए आप लोगों ने इस किस्म का हम इसको उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में या पंजाबी में मदानी, और इसको आप बीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे हेल्प हमें मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आप ये मलाई जो है मैंने फ्रीज कर देती थी, रोज़ उतारती थी, अब आपके सामने मैंने सारी ये दूध की जो मलाई है ये इसके अंदर डाल ली है। और ये देखिए अब इसमें किसी किस्म की आपको आइस नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ये आपको, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कुछ लोग होता है रोज़ दूध पे जो भलाई आती है वो चाय में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे घर में ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं की जाती, तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ इसको, और एक माह बाद जब इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद जनाब ये देसी घी आप बनाना शुरू कर दें। चलें अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। आपने इसको बीटर से बड़े ज़ोर से आपने ये काम जो है वो करना है। अगर आप अपने हस्बैंड की हेल्प लेना चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड या बेटे से करवा लें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत वाला काम है। ये देखिए कम से कम 5 से 7 मिनट ये भलाई लेगी। मक्खन बनने के प्रोसेस को मैं आपको बता दी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकती हैं, वो भी 5 मिनट से भी कम लेगा। मदानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया है, ठीक है, और 5 से 7 मिनट तक आपने इसी तरह या इस तरीके से, एक तो आपने गोल राउंड इसको करना है और एक आपने इस तरीके से, ठीक है। फिर ये देखें ये मक्खन आना शुरू हो गया। अब मैंने इसके अंदर क्या कर देना है जनाब, ये आपने बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है, इसके साथ आपने अच्छी तरह इसको कर लेना,
बर्फ से ये होगा कि वो जो दूध होगा वो लैदा हो जाएगा। उसको अच्छी तरह बर्फ को ना अंदर कर लीजिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मक्खन है, ये सारा मक्खन है, दूध लैदा हो जाएगा और मक्खन ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें अभी आप लोगों को ये मेरे हाथ पे लिक्विड लग रहा है, लेकिन ये देखें जो भी मैं इसको इस तरह करती जाऊंगी, वो देखें दूध जो है वो ड्रॉप की सूरत में नीचे गिरता जाएगा और मक्खन जो है वो मेरे हाथ पे इकट्ठा होता जा रहा है, एक बॉल की सूरत में ना इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें और चाहे तो इसको अच्छी तरह से प्रेस करके ये इस सूरत में आप लोगों ने जितना निकालना ये मक्खन है, ये देखें ठीक है। ये मैं साइड को पतीले में रखती जा रही हूँ। आप इसको छानने से भी कर सकती हैं, लेकिन यह है कि जो हाथ से दबा के आप करेंगी ना वो मक्खन जो है ना वो ज़्यादा सही निकलेगा। ये अब जो एंड का रह गया ना, ये दूध आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है और मक्खन जो है वो कम नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एंड तक जो है ना निकालूंगी, क्योंकि आपको पता है अब ज़ाया तो नहीं, खाने वाली चीज़ें तो नहीं ज़ाया की जाती। अच्छा, जो इसका दूध बच जाएगा मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि कुछ लोग इसका जो एंड का वो जो दूध बच जाता है तो उसकी वो लस्सी बना लेते हैं, और लस्सी से फिर आगे वो कड़ी बना लेते हैं। जनाब उस सारी भलाई में से जो मक्खन निकला है वो ये है, वो हम लोगों ने एक बर्तन में साइड पर कर लिया है, और ये जनाब उसमें से सारा दूध निकला है, ठीक है। वो भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि अगर आप लोग उसका कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो इस्तेमाल में ला दें। मकसद ये है कि आपने उसमें से मक्खन निकालना है, और फिर मक्खन को क्या करना है कि आपने गर्म करने के लिए रख देना, और वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। लेकिन ये टाइम टेकिंग जो है ये प्रोसीजर है, और मेरे हाथों का हाल देखें तो बटर निकालते वक्त जो मेहनत करनी पड़ती है ये इसको बीट करते हुए, उसके बाद आपने इसको रख देना, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और फिर आपका देसी घी तैयार हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। चलें जी, ये हमारा लास्ट स्टेप है जनाब। मक्खन मैंने सारा जो है वो इस बर्तन में डाल दिया है, और अब जो मक्खन होगा वो घी बनना शुरू हो जाएगा, और जो दूध होगा वो नीचे जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको इतनी गैस पे आप लोगों ने रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि वो जलना ना शुरू हो जाए, नॉर्मल आप लोगों ने आंच रखनी है, ठीक है। तो पहले तो ये बबल्स बनेंगे, इस पर बबल्स आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर ये खुद ब खुद ही एक डेढ़ घंटा लेगा ये पकता रहेगा, और आपको जब बड़ी खूबसूरत सी पूरे घर में से स्मेल आना शुरू हो जाए और घी जो है वो येलो शेप में येलो कलर में नज़र आना शुरू हो जाए, तो नीचे जो है वो जो दूध है वो नीचे लग चुका होगा, बैठ चुका होगा, और घी जनाब ऊपर आ जाएगा। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा कड़ा हुआ, तो उसमें ये होगा कि आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मतलब कम अज़ कम डेढ़ घंटे की बजाय दो घंटे कर देंगे, उसमें फिर वो होगा कि उसका रेड कलर आ जाएगा, तो वो घी जला हुआ होता है, तो मैं ज़्यादातर ये येलो कलर जो होता है वो बड़ा प्यारा सा कलर लगता है, तो मैं तो उसी कलर में रखती हूँ, ठीक। एक घंटा मैंने आप लोगों को जितनी आँच सिखाया था उतनी आँच पे मैं इसको छोड़ गई थी। अब ये देखें इसका कितना प्यारा कलर आ गया, वो जो दूध है वो नीचे बैठ चुका है और घी जो है वो ऊपर आ चुका है, और उसका कलर देखें, और यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, हाँ हाँ अब ये जनाब हो जाएगा ठंडा, फिर इसको मैं किसी बॉटल में या किसी जार में डाल लूँगी, और फिर बच्चों को पराठे वगैरह अंडे मैं इसी में इनको बना के देती हूँ। और अब आप लोगों ने मुझे बताना है जनाब कि आप लोग जिन लोगों को देसी घी बनाना आता है कि वो किस किस तरीके से आप लोग देसी घी बनाते हैं, वो भी आप मुझे फीडबैक में बता दीजिएगा। ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और आप लोग कुछ सीख सकेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दें सब हम को, अल्लाह हाफिज़।